ग्लोबल टीवी के श्रोताओं और दर्शकों, देखिए पूरी दुनिया में जो सिचुएशन बन रही है और साथ ही भारत में जो सिचुएशन बन रही है, कश्मीर फाइल्स रिलीज हो चुकी है और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो आज 21वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सहित 4 और राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन्हीं 3 मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कई सारे मीडिया चैनल्स पे अपने विचार रखते रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी। पहला सेगमेंट हमारा इस पर है कि हम कश्मीर फाइल्स से ही शुरू करते हैं। देखिए फिल्म रिलीज हो चुकी है और अभूतपूर्व इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है और इस पे जैसा कि कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां पर 1990 के दशक में हुआ उसको दिखाया गया है, जो उन पर अत्याचार हुआ, जो उनको वहां से पलायन करना पड़ा, जो बारबैरिक किस्म के वहां पे नरसंहार जिसको शब्द इस्तेमाल किया, कुछ एक्जोटस इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसको जीनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में एक तबका ये कहता आ रहा है कि ये जो समाज में विद्वेष है, हेट्रेड की भावना है, उसको भी बढ़ा रही है क्योंकि चीजें शांत थी, ये दबे हुए घाव को कुरेदने की भी एक कोशिश है। आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? ये गलत चीजें हैं। देखिए कोई भी फिल्म या तो फैक्ट पे बनती है या फिक्शीसियस होती है, फैक्ट या फिक्शन होता है। अगर ये फिक्शन है तो आपको या किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आती है। मान लीजिए कि ये काल्पनिक कथा है और इससे भी भयंकर भयंकर फिल्में बनी हुई हैं जिसपे जिनोसाइड वगैरह दिखाया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। अगर फैक्ट है तो भी आपको इसको घबराने की क्या जरूरत है? अगर फैक्ट है तो फैक्ट को बाहर आना चाहिए। इनफैक्ट ये फैक्ट अगर इतने दिनों के बाद बाहर आ रहा है तो लोगों को ये बोलना चाहिए कि भाई ये 70 साल या 30 साल क्यों लग गए इस चीज को बाहर आने में। ऐसे बहुत सारे फैक्ट फाइल्स हैं जो अभी भी पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात छोड़ दूं, जो अभी भी दबे पड़े हैं। लोग उनके कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, उनके कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं कि उस फैक्ट को वो बाहर नहीं आने देते हैं। जैसे नेताजी की मृत्यु क्यों हुई, इस पे जांच अभी भी चल रही है। फैक्ट क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, अभी तक ये एक सार्वभौमिक सच जो है बाहर नहीं आया है जिसको मान करके और सारे लोग संतुष्ट हो जाए। तो मैं समझता हूं कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं और इस ये फैक्ट बाहर आया, एटलीस्ट पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र देश के नागरिकों के साथ स्वतंत्र देश के नागरिकों ने ही क्या किया, पहली चीज। दूसरी चीज, विदेशी ताकतें इसमें क्या शामिल थी, किस तरीके से उनका क्या रोल था, ये चीज भी जो है बहुत जो है बढ़ चढ़ करके सामने आएगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनेस्को वगैरह में, इन सब जगह पे हा हल्ला मचेगा। जैसे फॉरेन से भी कई पॉजिटिव रिस्पांस आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसी ताकतें कभी भी नहीं चाहेंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल की ताकतें, कि इस तरीके के फैक्ट बाहर आए। क्योंकि जो चीज उन्होंने किया है उनकी पूरी राजनीति, उनका पूरा स्वार्थ इसमें खत्म हो सकता है। डॉक्टर साहब जी, देखिए सिचुएशंस उस दौरान तो आप भी साक्षी रहे हैं, टेलीविजन न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो कश्मीर से खबर आती थी, यहाँ तक कि एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार होते थे जो जिन्होंने आज तक जैसे चैनल का कॉन्सेप्ट बनाया, सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिंह, उन्होंने एक बार अपने एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग में ये कह दिया था कि आज कश्मीर से कोई समाचार नहीं है, ये न्यूज जाएगी। तो इससे हमें भयावहता का अंदाजा लगता है कि कश्मीर से रोज खबरें आती थी। दूसरी चीज, हम सभी जानते हैं वहां जिस तरह से नरसंहार हुआ, पाकिस्तानी करेंसी चलने लगी थी और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में अगर किसी कश्मीरी हिंदू को जाना होता था तो उसे अखबार में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता था, अनुरोध विनती करनी पड़ती थी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस से कम हमें अपना अंतिम संस्कार करने दें। लेकिन एक बयान और आया है, कोलकाता में एक छोटी सी घटना हुई है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने हॉल के अंदर घुस के तोड़फोड़ की, फिल्म रोके रखी 1 घंटे। उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि ये फिल्म जो सिचुएशन वहां पे नॉर्मल हो रही है उन प्रयासों को इसने तबाह कर दिया है।
आप बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की, सही है, रिएक्शंस आएंगे। दूसरी ये ऐसी कई सारी घटनाएं, ये भी आपने सही कहा कि उन पर फिल्में बननी चाहिए, उसमें अयोध्या का भी जो कारसेवकों पर गोलियां चली वो भी है, नेताजी की मृत्यु है, और आप और हम जानते हैं ऐसी तमाम घटनाएं हैं, 1984 के सिख दंगे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो लोग ये कह रहे हैं, जो तबका ये मान रहा है, और लगभग काफी सारी आवाजें इस फिल्म के खिलाफ आनी शुरू हो गई हैं, उसमें कश्मीरी नेता भी हैं और तमाम सारे लोग हैं, कि ये बिल्कुल जो प्रयास चल रहे थे कश्मीरी पंडितों को वहां पे बसाने के, एक बार फिर उन प्रयासों को तबाह कर दिया है? नहीं, उन प्रयास देखिए, दो इसमें दो चीजें हैं। जैसे एक ये मान लिया जाए कि कश्मीर में जो शांति की प्रक्रिया चल रही थी उसको तबाह कर दिया गया, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उमर अब्दुल्ला वगैरह अगर ये बोल रहे थे। देखिए ये लोग कितने धुरंधर खिलाड़ी हैं, कितना मास करके किसी चीज को करते हैं। अच्छा, शांति स्थापित किस कसौटी पे होगी, क्या कीमत दे के होगी? यही कि जिन लोगों ने 10-10 हिंदुओं को मारा, सैकड़ों हिंदुओं को मारा, जो अपराधी हैं उनको बचा लिया जाए। इनफैक्ट इनके ये बयान इसलिए आ रहे हैं कि जो कानून की नजरों में कल अपराधी बनने वाले हैं, जिनके ऊपर केस चलने वाला है, वो कराटे बिट्टा डार वगैरह ये थे, यासीन मलिक वगैरह जो घूम रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये चीज हो रही है। देखिए इन लोगों का शातिराना अंदाज देखिए भाई, शांति किस स्तर पे होनी चाहिए कि तुम मारते जाओ एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को और न्याय की मांग भी ना उठे, सत्य दिखाओगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। तो अभी भी ये राजनीतिक रूप से उन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने हत्याएं की है, उनको बचाने की बात कर रहे हैं, ये इनके राजनीति को समझना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने बोली कि भाई बंगाल में देखिए एक सिनेमा हॉल में फिल्म को रोक के रखा गया, तोड़फोड़ की गई, और आपने और बोला कि अगर कहीं किसी की मृत्यु होती थी हिंदू की तो जो है अनुरोध करना पड़ता था। ये आज नहीं, आप हजारों साल का इतिहास उठा के देखिए, जजिया क्या था? जजिया यही तो था, जीवन जीने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए आपको अनुरोध करना पड़ता था, कुछ देना पड़ता था। देखिए सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है, सवाल एक ऐसे सिस्टम का है जो जहां पे जरा सा हावी हो जाए, किसी भी तरीके से वो हावी होने की कोशिश करता है, और हावी होने के बाद दूसरे सारे लोगों का जीना दूभर कर देता है, और अगर वो जीने की इजाजत देता है तो अपने आप को संतुष्ट करते हुए। इनकी मनोवृत्ति क्या होती है कि इनकी जूतियां चाटते रहो, मतलब ऐसे ऐसे घृणित शर्त ये लगाते हैं कि आपको अंतिम संस्कार करना है तो उसके बाद आप अनुरोध करिए अखबार में देखे। यही चीज अगर आप उल्टा कर दीजिए जो है पूरे भारतवर्ष में, कि अगर आपको कब्र में किसी को जो है लेकर के जाना है, अंतिम संस्कार करना है कब्रगाह में, और यही चीज आप करिए दूसरे और लोगों के लिए कर दीजिए, तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा उनके लिए? इतने घृणित लोग हैं, अपने मुंह से जो लोग बोल रहे हैं कि हमने इनकी जो है इतने लोगों की हत्या की, अपने मुंह से टीवी पे जो बोले हुए हैं, आप नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, आप शांति स्थापित करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, अगर आप हत्यारे हैं तो आपको कानून का सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा आपको। तो अब ये सारी नौटंकी चल रही है कि अब इनको बचाया कैसे जाए, क्योंकि सत्य तो उजागर हो रहा है, जिंदगी भर उसी मुद्दे पे इन्होंने राजनीति की है, इनकी राजनीति अब चलने वाले नहीं है। अपराधी को बचाना उतना ही बड़ा अपराध होता है जितना कि एक अपराधी अपराध करता है। तो मैं तो बोलता हूं कि जो लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं उनको भी उस मास्केर में, उस नरसंहार में शामिल माना जाना चाहिए, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी हो। और इनकी पोल खुल रही है, जैसे कलकत्ता में आप देखिए, ये बात केवल कश्मीर की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर छोटे छोटे शहरों में, हर शहरों में आप देखेंगे तो छोटे छोटे पॉकेट में आपको कश्मीर जो है मिलेगा। हिम्मत तो देखिए कि कैसे, कि फिल्म कैसे रोक दी कोलकाता जैसे महानगर में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिल्म सेंसर बोर्ड ने उस चीज को पारित किया है तो किसी की क्या मजाल है कि आप फिल्म रोक दो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर शहरों में ये छोटे छोटे श्रीनगर बने हुए हैं डॉक्टर साहब, और इस चीज को समझने की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, एक घटना उस दौरान हुई थी 1989-90-91 के आसपास, एक हाई स्कूल की लैब में एक कश्मीरी लड़की काम करती थी, आपको उस घटना के बारे में पता है,
मैंने भी इस पे काफी अपने जी न्यूज में जब मैं काम करता था और तमाम सारे अपने पत्रकारिता के करियर के दौरान इस पे शोध करने की कोशिश की, कई लोगों से पूछा भी था। तो वो कश्मीरी लड़की काम करती थी एक लैब में, उसका अपहरण हुआ, बुलाया गया कॉलेज अपने स्कूल की, आपको वेतन देना है और अब यहाँ हानि उतनी नहीं है, इतना संवेदनशील क्षेत्र नहीं रह गया है। JKLF ने वो आजादी का उद्घोष किया था कि आजादी दो भारत सरकार से, यासीन मलिक की ही ऑर्गेनाइजेशन। वो गई अपना वेतन लेने और उसका अपहरण हो गया और फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ और आरा मशीन में उसको काट दिया गया था। गिरजा टिक्कू नाम था, हम सभी जानते हैं, ये घटना प्रमाणित है, कई सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में खुद जिक्र किया है। तो ये विभस घटना, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस घटना का एक प्रतिक्रिया अयोध्या में हुई थी, जहां एक बुजुर्ग मुसलमान को 1992 में एक आरा मशीन में काट दिया गया था। अब लोग ये कह रहे हैं इस फिल्म के बाद काउंटर रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे और देश की शांति भंग होगी। तो क्या विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर ने अगर एक सार्थक प्रयास किया कि सच्चाई सामने लाए, तो क्या वो इससे कॉशस हो जाए या उनको फिल्म पे किसी तरह का रोक लगाना चाहिए खुद, इससे देश की शांति भंग होगी, या एक वृहद परिपेक्ष देखना चाहिए? डॉक्टर साहब, गिरजा टिक्कू का जो केस आपने बताया, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कौम के लोग अपने मतलब को साधने के लिए कितने गिरे हुए हैं, मतलब किस तरीके से लालच दे करके इतने बहादुर हो और एक लड़की को तुम बुला करके इस तरीके से करते हो। अपहरण वहां पे दो और बड़े इम्पोर्टेंट अपहरण हुए थे, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती की और उनके बहन की भी हुई थी, याद है ना? जी, एक खरोच आई जबकि वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक गायब थे और सकुशल वापस आ गए। तो ये धर्म विशेष की जो है मान्यता के कारण ये है कि एक धर्म विशेष के लड़की का और एक वहां के रसूख वाले की लड़की का अपहरण होता है और वही आतंकवादी करते हैं और वो सकुशल वापस आ जाती है, उसको खरोच भी नहीं आता है और एक को आरे में चीर दिया जाता है। रही बात शांति की, तो यही शांति की पूजा करते करते तो देश दो भागों में बट गया। महात्मा गांधी से बड़े शांति के पुजारी तो ये जो लोग अपना मुंह फाड़ रहे हैं वो तो नहीं है ना? महात्मा गांधी ने भी शांति की प्रतिस्थापना के लिए ये सब किया था और उन्होंने इस लेवल पे जाके शांति का पक्ष लिया कि देश के दो टुकड़े कर दो लेकिन शांति बनी रहे। तो साहब मैं आपको बताऊं, ये चीजें मंजूर नहीं है और कहीं शांति भंग नहीं होगी। अगर शांति भंग होना होता, देखिए मैं बताऊं, देश की जो बहुसंख्यक जनता है ना, वो विश्वास करती है कानून में, वो संविधान में विश्वास करती है, वो न्याय तंत्र में विश्वास करती है। इतने कश्मीरी पंडितों को या वहां के हिंदुओं को मार के भगाया गया, किसी ने गुलेल तक नहीं उठाई, एक पत्थर तक नहीं मारा, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि शांति भंग हो जाएगी? तो कश्मीर में जो लोग पत्थर मारते थे सेना के ऊपर, वो सब ऐसा करते थे, शांति पूजा करते थे, एक AK-47 लेकर के, जबकि कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ वो बहुसंख्यक हो गए थे तो AK-47 लेके वो शांति की स्थापना कर रहे थे। ठीक है, अगर शांति भंग होने का डर लग रहा है तो चलिए शांति की स्थापना करते हैं, उन्हीं की तरह AK-47 लेकर के सारे लोग शांति की स्थापना करने लग जाए, पत्थर मार के शांति की स्थापना करने लग जाए। ये फिजूल की बातें हैं डॉक्टर साहब, ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। इस देश का एक एक नागरिक संविधान में विश्वास करता है, कहीं कोई शांति भंग नहीं होगी, कहीं कोई सुरक्षा भंग नहीं होगी। अगर होना होता तो बहुत सारी चीजें होती, ये देश की जनता संविधान में विश्वास करती है और उसी हिसाब से चलेगी। इसी मुद्दे पर एक आखिरी सवाल, फिर हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जो बहुत बड़े बड़े फिल्मकार है जो विरोध वाले खेमे में है, वो कह रहे हैं अगर हम सिनेमैटिक लिबर्टी के लिहाज से देखें, सिनेमैटिक लिबर्टी ये होती है कि फिल्मकार को तथ्यों के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करने की इजाजत होती है, तब भी इस फिल्म में विभत्स दृश्य और हिंसा वाले दृश्य इतने दिखाए गए हैं कि अगर मौजूदा सरकार ना होती, जिस पर वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि उसने फिल्म का सपोर्ट किया है फिल्म के बनने और प्रदर्शन का, तो ये फिल्म आज ही से ज्यादा कट जाती सेंसर बोर्ड में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सत्य के ऊपर कैंची क्यों चलाई जाए?
अभी तक तो यही होता रहता है ना कि हमेशा सत्य के ऊपर कैंची चला के उसमें काट छांट की गई है। आप देख लीजिए ना हिंदुस्तान में, अगर आप ये देखिए तो सैकड़ों हजारों साल से यही चीज है, सत्य को सामने नहीं आने। मतलब फिल्म को मैं एक साहित्य का ही वो मान लूं, एक एक भाग मान लूं, तो ये केवल प्रॉब्लम आज आज के फिल्म से नहीं है, यहाँ के साहित्य के साथ भी हजारों साल से बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, कैंची चलती रही है। जो असली चीज है वो बताया नहीं गया है, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि असली चीज बता देंगे तो जो आज हो रहा है वो चीज। भाई 1990 में जो घटना हुई थी, टीवी मीडिया कैमरा तो उस वक्त भी था, लोग गए जी भी होंगे, बहुत लोगों को पता भी चला होगा, लेकिन चूंकि उस वक्त उन्होंने सत्य नहीं दिखाया, उसपे एक कैमरे वाले ने, सरकार ने नहीं, सरकार तो बात की बात करिए, जो ये टीवी और कैमरा वाले जो पत्रकार थे वो अपने लेवल पे ही कैंची चला देते थे, और देश और दुनिया को इस चीज का पता नहीं चलने देते थे। क्यों नहीं चलने देते थे? उनको पता है कि अगर सत्य दिखाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा। आज क्यों डर रहे हैं? जो विरोधी है कुछ मुट्ठी भर लोग, वो क्यों डर रहे हैं? किसी की राजनीति खत्म होती जा रही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब हमारा फिल्मी कैरियर खत्म हो गया, कभी जो हीरो बन के घूमा करते थे, जो दबंग होते थे, उनको लग रहा है कि भाई अब तो हम गए फिल्म। इस फिल्म को जो सत्य पे आधारित है, देखिए सत्य का विरोध हर जगह होता है, पहला विरोध तो फिल्म इंडस्ट्री से ही झेलना पड़ा ना, वो सारी दबंगई फिल्म इंडस्ट्री की जनता ने निकाल दी, जो अपने आप को वहां का बॉस समझते थे, चाहे वो दाऊद रहा हो चाहे यहाँ के एक्टर रहे हो, सबकी दबंगई जनता ने निकाल दी इस फिल्म को सफल बना करके। तो इसीलिए जो है वो कैंची चलाने की बात करते रहे हैं हमेशा से, कि इस देश में अपने मनमाफिक रूल वो चला सके। आप एक चीज जी ये बताइए, न्याय संविधान सब कुछ बोलता है कि सत्य सामने आना चाहिए, सत्य को उजागर करिए, सत्य की बात करिए, तो कैंची क्यों चलाना? मैं तो बोलता हूँ कि इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और अंदर की चीजें, फिल्म मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन इस फिल्म के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनने चाहिए। वो ऐसे बनने चाहिए, वो कौन से राजनीतिक फैक्टर थे, किन किन राजनेताओं ने इसमें अपना रोल निभाया, एक्टिव और पैसिव। पैसिव मतलब ये कि देख करके आंख आंख मूंदे रहे, उधर ये सब चीजें हो रही हैं और लगातार सरकारों ने और जो है सरकारी तंत्र ने आंख मूंद के रखा, तो उनको भी इसमें दिखाना चाहिए, ताकि जनता को ये भी समझ में आए कि यहाँ की राजनीति किस तरीके से चलती है और राजनीति के कारण इस देश को कितना सफर करना पड़ा है। आजादी की जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है, किसी भी डॉक्यूमेंट्री में जिन्ना के असली चरित्र को नहीं दिखाया गया है, या उस बीभत्स रूप में नहीं दिखाया गया है जिस बीभत्स रूप में उसने काम किया, तो क्यों नहीं दिखाया था? अगर हम जानेंगे नहीं तो हम आगे सावधान कैसे रहेंगे? फिर एक नया पाकिस्तान बनेगा, फिर कोई नया प्रॉब्लम शुरू हो। यहाँ पे आज की डेट में अभी कुछ 2-4-6 महीने पहले ऐसे लोग पड़े हैं जो कि ये बोल रहा है, आसाम का जो चिकन नेक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, बोल रहा है हम उसको काट के अलग कर देंगे। पता नहीं क्यों जनता ने उसको जो है जेल में रखा हुआ है, अभी वो शायद जेल में है। शूट एट द साइट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। चाइना में जाके जरा बोलिए जी आप, जी यही देखिए यही क्या बात, होता है। इसी से जुड़ी बात तस्लीमा नसरीन ने भी आज कही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और बाकी जगहों पे, उस पर भी बनना चाहिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए, और कई सारी चीजों को साफ तौर पर उस पर क्लैरिटी डालने के लिए और तमाम सारी चीजों को बताने के लिए। हम आते हैं दूसरे सेगमेंट पर, जो स्थिति बन रही है वैश्विक स्तर पर, रूस और यूक्रेन के बीच, लगभग सारे विश्व का, यहाँ तक कि भारत का भी, काफी ज्यादा भारत में चर्चाएं हो रही हैं। आप खुद इतने जागरूक पत्रकार हैं, टीवी प्रस्तोता हैं, एक्सपर्ट हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा। आज 21वां दिन है, लेकिन जहां तक अमेरिका और उसके साथ के देश व्लादिमीर पुतिन को विलेन बनाने पर तुले हुए हैं, और यूक्रेन के आम जनता पर हो रहे रूसी आक्रमण की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर वो आर्थिक प्रतिबंध मतलब बद से बदतर लगाते जा रहे हैं रूस के ऊपर, जिससे वहां की जनता की हालत खराब है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए डॉक्टर साहब, वॉर जो हो रही है, हालांकि मैं फेवर नहीं करता हूँ, दुनिया में वॉर कहीं नहीं होना चाहिए,
आपका जो सबसे जेन्यून क्वेश्चन है ना कि एक से बढ़ के एक प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं और रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कोई अगर ठान ले, जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगी, तो आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। मैं बोलता हूँ आज जो रशिया की कंडीशन है, कभी ना कभी हम भी तो उस कंडीशन में रहे हैं, आप भी गांव से निकले हैं, हम भी निकले हैं, तब वहां पे ये बाजारवाद नहीं होता था, ये सुविधाएं नहीं होती थी, तो क्या हम जिंदगी नहीं जीते थे या खुशहाल जिंदगी नहीं जीते थे? ये बिल्कुल सही नेशनल बात, प्राइड की बात, ये नेशनल प्राइड की बात होती है। आपके आर्थिक प्रतिबंध क्या कर लेंगे? एटलीस्ट पेट भरने के लिए रशिया में चीजें अवेलेबल है, वो जिंदगी को निम्नतर स्तर पे जिएंगे। आपकी तरह उपभोक्तावाद का, वो पहले भी देखिए उपभोक्तावादी विचारधारा रशिया में पहले नहीं थी, वहां कम्युनिस्ट शासन रहा है, वहां जी इक्वालिटी के हिसाब से चीजें होती थी। हाँ, जी अगर अमेरिका जैसे देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग जाए, यूरोप पे लग जाए, जो उपभोक्तावाद और बाजारवाद में बिलीव करते हैं, तो उनकी पूरी इकोनॉमी, पूरी व्यवस्था चूंकि पैसे और पूंजी पे निर्धारित रहती है, तो वो बहुत तेजी से टूट जाएंगे। लेकिन रशिया की पूरी व्यवस्था 100% पूंजी पे निर्भर नहीं थी, वो पूंजीवादी देश नहीं है, पूंजीवादी आइडियोलॉजी नहीं चलती है। और दूसरी चीज, जिसने अपना प्राइम टारगेट कुछ और बना के रखा है, रसिया अगर कूदा है युद्ध में, तो उसने ये सोच के रखा है कि ये सब चीजें होगा। दुनिया जानती है कि अमेरिका के ये छिपे हुए हथियार होते हैं, इनडायरेक्ट अटैक अमेरिका करता है तो प्रतिबंधों के थ्रू करता है, तो इसके लिए वो पहले से तैयार है। आप एक नहीं, आपने 10 प्रतिबंध लगाए, 20 प्रतिबंध और लगा दीजिए, खत्म बात। एटलीस्ट किसी भी देश में एक इंडेमिक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था तो होती ही है, वो उससे सरवाइव कर लेंगे। युद्ध जीतना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, चाहे बेसिक सर्वाइवल लेवल पे ही उनको काम क्यों ना करना पड़े। जी देखिए, एक एक बात इसमें ये है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक प्रतिबंध एक तरह से अमेरिका का ब्रह्मास्त्र है। उसने ईरान पर भी लगाए, इराक पर भी लगाए, सूडान, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, अफगानिस्तान तो उसका सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र रहा है, और पाकिस्तान भी अब उसका शिकार हो रहा है जो पहले अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी होता था। लेकिन इसमें जो कारण बताया जा रहा है कि यूक्रेन की एक एक सार्वभौम और संप्रभु राष्ट्र पर बिना कारण हमला करना, कारण ये इसमें जो रशियन रशियन मीडिया है वो ये बता रही है कि सोवियत संघ के विघटन से, और हम सभी जानते हैं नेटो, अमेरिका और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने उसमें बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया था विघटन में, और उस समय तक सोवियत संघ एक सुपर पावर था, अमेरिका भी कई क्षेत्रों में उससे पीछे था। वो दर्द जो 18 भागों में सोवियत संघ बटा, और फिर व्लादिमीर पुतिन को कि अमेरिका का ये बार बार टालना कि जो बातचीत करना चाहते थे सुरक्षा गारंटी को लेके यूक्रेन के मुद्दे पर, और उनके जो चंद सवाल थे कि यूक्रेन जो है वो शामिल हो जाएगा नेटो में या वो बायोकेमिकल वेपन डेवलप कर लेना, उनको अनसुना करना। तो आप क्या मानते हैं, अमेरिका जो कारण बता रहा है कि ये हमला अकारण है, या जो व्लादिमीर पुतिन और रशियन मीडिया कह रही है कि अमेरिका ने हमें पिछले 25 साल से अनसुना कर दिया? डॉक्टर साहब, देखिए अमेरिका की ये डिप्लोमेटिक नीति होती है। मैं बोलता हूँ अमेरिका को अगर इतना ही डर है या संवेदना है यूक्रेन और रसिया के वार का, तो क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस की सेना भेज देती है, क्यों नहीं नाटो की सेना भेज देती है? हाँ, लिप सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं तो खुल के मैदान में उतरिए और खेलिए। तो ये एक डिप्लोमेटिक चाल है। अमेरिका और नाटो खुद भी डायरेक्ट जो है नहीं उतरना चाहती हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, पहली चीज। दूसरी चीज रही बात, ऑफ कोर्स जो रशिया बोल रहा है, बहुत पहले विघटन हुआ, वो तो करवाया गया विघटन, आपको पता है ही, जब दो शक्तियां बनी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो रशिया भी ये चाहता है कि उसका स्टेटस को मेंटेन रहे, और अमेरिका भी चाहता है, बल्कि रशिया ये नहीं चाहता था कि उसका जो है इतनी तेजी से एक्सपेंशन हो। अमेरिका ने तो, अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट भी है, बहुत तेजी से अपने विचारों का, अपनी आइडियोलॉजी का, अपनी इकोनॉमी का एक्सपेंशन भी करता रहता है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के उसने नाटो और कई देशों को लालच दिया, सॉरी यूक्रेन वगैरह को लालच दिया, ऑफर दिया कि हम आपको नाटो में बनाएंगे एक्सपेंशन करने के लिए अपना। रसिया को ये चीज गवारा था नहीं, कौन आदमी चाहेगा कि उसके चारों तरफ उसके विरोधी की मिसाइलें आ जाए?
और आप ये देखिए, क्यूबा क्यूबन मिसाइल प्रॉब्लम जब आई थी, निकिता गुरशोव वहां पे जब इनके थे, निकिता खुरशोव जब इनके राष्ट्रपति थे रसिया के, तो अमेरिका ने बड़ा विरोध किया था, क्योंकि उनको अमेरिका को खतरा लगने लगा। तो ऐसे ही हर देश को खतरा लगता है। तो अमेरिका को मैं ये बोलूंगा कि अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, मानवता आपको लग रहा है मानवतावादी सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, इतनी बड़ी फौज है, इतने मिसाइल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस आपका है, तो आप सीधे उतरिए। वो उतरने की इनको हिम्मत है नहीं। तो मेरे ख्याल से रशिया को इन्होंने इग्नोर ही नहीं किया, टेम्पर भी किया। टेम्पर करने का मतलब ये है कि लगातार ये देशों को नाटो में मिलाते गए, घेरेबंदी करते गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। अब जैसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन या बायोलॉजिकल वेपन की फैक्ट्री वगैरह मिली हुई है, ये आरोप है, तो ठीक है, कई बार डायरेक्ट वहां पे एक्शन में कोई सरकार नहीं रहती है, लेकिन उसको पार्टनर बना करके अपने दुश्मन के खिलाफ बहुत तेजी से मजबूत करती है। कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम आप ये देखिए इसराइल और ईरान का चल रहा है। इसराइल ये बोलता है कि हम ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे, उनको उससे खतरा है। तो इस तरह के जो है टशल, इस तरह के संघर्ष चलते रहते हैं। अगर आप वाकई में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लिप सर्विस मत प्रोवाइड करिए। यूनाइटेड नेशंस आपका है, नाटो के पूरे देश आपके हैं, आपकी खुद बहुत बड़ी आर्मी है, सामने आकर के 2 दिन में फैसला कर लीजिए, वो चीज होने एक वाला नहीं बात, है। एक बात इसमें ये है कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो इसमें इनोसेंट किड का रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, व्लादिमीर पुतिन ने अकारण ही हमारे ऊपर हमला किया और उनको हट जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ होने के नाते हम जो ये नैरेटिव गढ़ दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि यूक्रेन या जेलेंस्की बिल्कुल इनोसेंट हैं और व्लादिमीर पुतिन एक विलन है, इस नैरेटिव से आप कहां तक सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं हैं तो उसके क्या कारण हैं? डॉक्टर साहब, एक राष्ट्राध्यक्ष जो होता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनोसेंट होना, इनोसेंस ही सबसे बड़ा नॉनसेंस है। उसके पीछे मैं आपको बता दूं, जब आप एक, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं या एक राष्ट्र को आप लीड कर रहे हैं और आप इनोसेंट बने हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि बलि का बकरा है। जी हमारे देश के दो टुकड़े इसलिए हुए क्योंकि उस वक्त जो अपने राष्ट्र को लीड कर रहे थे वो बड़े इनोसेंट थे, बहुत इनोसेंट थे। वो इतने इनोसेंट थे कि जो बोल देता था उसी में हाँ मिला लेना, विरोध नहीं करना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की जो है वो बड़े इनोसेंट है, वो बहुत बड़े होशियार हैं, लेकिन अब फंस गए हैं, तो वो इनोसेंस अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और अब अमेरिका भी क्या करे, सामने से लड़ाई तो लड़ नहीं सकता है, तो ग्लोबल कम्युनिटी में ये बोल रहा है कि ये तो जी बच्चे हैं, अगर आप इनोसेंट हो तो आप राष्ट्राध्यक्ष मत बनिए, जाके घर में बैठिए। जो पहले करते थे गाना वाना बजाते थे, ये शायद जेलेंस्की जो थे वहां के राष्ट्रपति, वो पहले ड्रामा वगैरह करते थे, एक्टर थे, सिंगर थे, डांसर थे, ये सब थे। तो वो फील्ड है इनोसेंस की, आप वहां पे जाइए। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं आपको जब आप एक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, और कई बार चुनौतियों से सामना आपको डट के करना होता है और खुल के करना होता है और हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो गद्दी आपके लिए नहीं है। मैं एक चीज और बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब जर्मनी ब्रिटेन की धुलाई कर रहा था, तो विंस्टन चर्चिल के ठीक पहले जो प्राइम मिनिस्टर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई आयरन या स्मिथ करके कुछ ऐसे ही था वहां पे, वो ऐसा नहीं कि वो जो है कैपेबल नहीं था, टैलेंटेड नहीं था, था लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट था, वो इनोसेंस था, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था जो विंस्टन चर्चिल उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने सामने आकर के लिया कि भाई लड़ना है तो लड़ना है, हाँ मरना है या मारना है, अगर अपने आप को बचाना है, अपने राष्ट्र की अस्मिता बचाना है तो मरना है या मारना है। तो लीडरशिप के लिए ये बोलना कि जी हम बड़े इनोसेंट है, आप कहीं कोई और सॉफ्ट जॉब करिए सर, जहां इनोसेंस एक यूएसपी होता है, एक रिक्वायर्ड पैरामीटर या योग्यता हो सकती है। यहाँ पे अगर जेलेंस्की बोलते हैं, अमेरिका बोलता है कि जेलेंस्की बड़े इनोसेंस है, तो उसका परिणाम आप भोगिए। अगर आप डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाए तो उसका परिणाम आप देखिए, रास्ता गलत है सही है वो सब चीजें छोड़ दीजिए, कौन सही है और कौन गलत है, युद्ध में नुकसान किसको हो रहा है पहले ये देखिए, यूक्रेन को हो रहा है ना। जिस धरती पे युद्ध होता है नुकसान वहां पे होता है, तो आपने तो अपना नुकसान करवा लिया, ना उसको डिप्लोमेटिक रोक पाए, ना फ्रेंडली रोक पाए, ना वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेट करके रोक पाए, ना आपके पार्टनर्स जितने दुनिया भर में है जिसके कंधे पे रख करके आप उछल रहे थे वो भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं।
तो नुकसान भोगी है, इनोसेंट बने रही है नुकसान। ये बहुत जी हार्ड जी हार्ड डिसीजन होते हैं लाइफ के जी डॉक्टर साहब। जी जी फाइनली इसी से जुड़ा हुआ एक, आपको क्या लग रहा है ये किस तरफ जा रहा है? क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? क्योंकि अभी भी लोग नहीं मान रहे कि ये वी आर ऑलरेडी इन वर्ल्ड वार 3। जब इतनी दो बड़े बड़े महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, एक विरोध कर रही है लेकिन सेना नहीं भेज रही है, अमेरिका जैसे देश और उसके मित्र, और एक महादेश युद्ध में डायरेक्टली कूदा हुआ है, तो क्या आप मानते हैं कि हम सचमुच में विश्व युद्ध में प्रवेश कर गए हैं, या इसका निर्णय इसके इसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में? कोई वर्ल्ड वार नहीं होगा डॉक्टर साहब, उसके पीछे कारण है। वर्ल्ड वार तब होता है जब कई देश की सेनाएं एक्टिवली कूद जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकेंड वर्ल्ड वार जब दो महाशक्तियां बन के उभरी, रशिया और अमेरिका। 1947-50 से आप मुझे बता दीजिए कई बार रशिया और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने रही हैं, यमन में रही हैं। दोनों देशों के सैनिकों ने, सेनाओं ने एक गोली नहीं चलाई है, एक मिसाइल तो छोड़ दीजिए, एक गोली एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलाई है। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। दो महाशक्तियां कभी भी नहीं टकराएंगी, और जब दो महाशक्तियां नहीं टकराएंगी तो वर्ल्ड वार ये कभी भी शुरू होने वाला नहीं है। छोटे मोटे देश आएंगे नहीं बीच में, ये ऐसे ही चलेगा, चाहे 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे 1 महीने और लगे। और चूंकि अमेरिका वगैरह तो आएंगे नहीं, केवल प्रतिबंध लगाएंगे, तो अल्टीमेटली जो ज्यादा ताकतवर है बात उसी की मानी जाएगी, चाहे 10 दिन युद्ध और चला जाए। तो रशिया जैसा चाहेगा वैसा करेगा, ना कोई बचाने के लिए आ रहा है, ना मदद के लिए आ रहा है, ना कोई सीज फायर तक का देखिए, किसी कोई ये भी प्रेशर नहीं डाल रहा है कि सीज फायर किया जाए दोनों देशों की तरफ से। ना ना यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, ना अमेरिका कर रहा है, ना सीज फायर की बात ही नहीं हो रही है। उल्टा बोल रहे हैं कि हम आपको हथियार देते हैं और लड़ाई लड़ो। और इतनी शांति पसंद थी तो सबसे पहले सीज फायर के लिए करना चाहिए था ना। ये सीज फायर का शब्द तो मैंने दुनिया के किसी नेता के मुंह से सुना नहीं, चाहे नाटो हो चाहे अमेरिका हो। तो ये युद्ध कहीं और ही जा रहा है, और इस युद्ध का परिणाम यही होगा। मुझे ये लगता है कि रशिया जो चाहता है वो मनवा के करेगा, अमेरिका वगैरह की हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। देखिए रशिया भी डायरेक्ट अटैक अमेरिका पे करेगा नहीं, नाटो पे करेगा नहीं। प्रोवोकेशन अगर होगी, उधर के लोग बीच में इधर से कूदते हैं, तब डेफिनेटली रशिया उनके ऊपर अटैक करेगा। तो अभी वो चैन रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। ये वर्ल्ड वार देखिए, फ्रॉम डे वन मैं बोल रहा हूँ ये वर्ल्ड वार नहीं होगा। बहुत सारे लोग भले बोल रहे हैं आज शाम से शुरू वर्ल्ड वार, कल सुबह से शुरू हो जाएगी वर्ल्ड वार, इतने जल्दी नहीं होगा। लोगों को रशिया की ताकत पता है कि वर्ल्ड वार होने जी पर, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जाता है तो क्या होगा। जी जी बिल्कुल सही। जैसे कि अमेरिका में रूसी मामलों की सबसे बड़ी जानकार है फियोना हिल्स, उन्होंने भी यही कहा है जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार की संभावना नहीं है, और अगर प्रोवोकेशन होता है, नेटो और अमेरिका की आर्मी कूदती है, तो रूस, ये डर है पूरी दुनिया को कि रूस अपने ईस्टर्न फ्लैंक से वो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए थैंक यू डॉक्टर। आगे। धन्यवाद।